आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में गेल की गैस पाइपलाइन में आग लगने से एक दर्जन से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। आग के कारण 50 से ज्यादा घर जले। आग पर पाया गया काबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में गेल की गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग में मरे लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। आग के कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने का फैसला लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जांच के बाद ही हादसे की सही वजह का पता चल पाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश में गैस पाइपलाइन विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया। राज्यपाल ESL नरसिम्हन को भेजे गए शोक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि इस हादसे की जानकारी से उन्हें काफी दुख पहुंचा है जिसमें कई लोगों की जाने गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने गेल पाइपलाइन के हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले को गंभीरता पूर्वक लें और ऐसे हादसे दोबारा न हो इसके लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक के लिए 3 साल के पाठ्यक्रम के लिए तैयार। DOE ने UGC को दिया लिखित आश्वासन। इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने कहा है कि सुन्नी चरमपंथियों को पीछे धकेलने के लिए सैन्य कार्रवाई के साथ ही राजनीतिक उपाय भी जरूरी है। यहां अभी भी ISIS के चरमपंथियों के बीच उत्तरी शहर टिकरित पर कब्जे के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। पूर्वी यमन के सेयून हवाई अड्डे पर उग्रवादी संगठन अलकायदा ने गुरुवार को हमला कर यहां के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हवाई अड्डे पर हमले के साथ ही उग्रवादियों ने विस्फोटों से लदा एक ट्रक हदरामौत के सैन्य अड्डे के फाटक में घुसा दिया। यूक्रेन के अलगाववादी विद्रोही पूर्वी यूक्रेन में जारी संघर्ष खत्म करने के लिए शांति वार्ता में भाग लेने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति पोरोशेंको ने कहा है कि विद्रोही अगर हथियार डाल देते हैं तो उन्हें माफ किया जा सकता है, वह देश छोड़कर भी जा सकते हैं। फीफा विश्व कप के ग्रुप एच के एक मैच में रूस के साथ 1-1 से मैच ड्रॉ कराकर अल्जीरिया ने पहली बार विश्व कप फुटबॉल में नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। फुटबॉल विश्व कप के दूसरे मुकाबले में बेल्जियम ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। पुर्तगाल और घाना की टीम विश्व कप में ग्रुप दौर से आगे नहीं बढ़ पाई है। कल खेले गए अंतिम लीग मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना पर 2-1 की जीत हासिल करने में सफलता पाई। दूसरी तरफ अमेरिकी टीम जर्मनी से हारने के बावजूद नॉकआउट दौर में पहुंचने में सफल रही। फीफा ने उरुग्वे के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज पर 9 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, सुआरेज अगले 4 महीने तक किसी भी प्रकार के फुटबॉल मैच में नहीं खेल पाएंगे।